हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन पार्ट 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूनुच वेलनाओ से कहता है कि आज तो आपको सारी कॉन्क्यूबाइन से मिलने के लिए जाना था, पर आप इतने ना खुश क्यों नजर आ रहे हो। वेलनाओ गुस्से से उसकी ओर देखता है तो यूनुच कहता है कि ये सीनरी कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी ही वहाँ पर बहुत सारी कॉन्क्यूबाइंस फूल और गिफ्ट लेकर वेलनाओ के पास आने लगती है। वेलनाओ तो जैसे इसका आइडल है और ये सारी कॉन्क्यूबाइंस उसकी फैन हो। इन फैन गर्ल की भीड़ में चू भी मौजूद थी, वो भी चिल्ला रही थी। वेलनाओ कहता है कि हे भगवान, ये लोग कितनी आवाज करती है। ये दोनों दूर से ही ये नज़ारा देख रही थी। शाओ कहती है कि ये तो युद्ध के मैदान से भी ज्यादा खतरनाक लगता है, मैं तो चली। मुझसे ये चीज़ ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही। पर बू मैंग, उसको तो ये नज़ारा देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, तो वो रुक जाती है। वेलनाओ भी दूर से ही बू मैंग को देख लेता है। वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि हमारे राजमहल में ऐसा भी कोई है जो कि मेरे पीछे नहीं पड़ता इनकी तरह। वेलनाओ भी फिर हंसते हुए चला जाता है। चू तो रोने लगती है कि वेलनाओ ने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। वेलनाओ अपने कमरे में आकर कहता है कि मैं तो ठीक से बाहर भी नहीं जा सकता, ये सारी की सारी मुझे कितना परेशान करती है, मैं क्या करूं। यूनुच कहता है कि महाराज, आप ना बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, इसीलिए ये लोग आपके पीछे पड़ी है। इंपीरियल डॉक्टर वहां आता है और वो अपनी बड़बड़ चालू कर देता है। वो कहता है कि महाराज, मैंने एक डॉल खरीदी है जो कि बिल्कुल मेरे जैसी ही है। इसके आईब्रो अच्छे हैं, होठ अच्छे हैं, आँख, माथा, टकला, सब कुछ अच्छा है। इस एक डॉल को खरीदने में मैंने अपने महीनों की सैलरी लगा दी है। वेलनाओ को यह सब कुछ बकवास लग रहा था, इसलिए वो उस डॉल को तोड़ देता है। तो डॉक्टर कहता है कि हे भगवान, मेरा माथा टूट गया। महाराज, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वेलनाओ कहता है कि मुझसे तो बस गलती से गिर गया था और तुम क्या मुझ पर चिल्ला रहे हो। तो इंपीरियल डॉक्टर कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। चू आकर गुस्सा करने लगती है और सारी चीज़ों को तोड़ रही थी। यान वहां आकर कहती है कि ये तुमने क्या किया, तुमने मेरे क्रिएशन को तोड़ दिया है। चू कहती है कि तुम्हें ये बेकार सी डॉल बनाकर मुझे क्या पागल बनाना चाहती थी। राजा ने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा, मैं उसे ये डॉल दिखा रही थी पर वो तो चले गए। मैं ना किसी और के पास से डॉल खरीद लूंगी। यान कहती है कि भगवान, आप मुझे शांति से जीने क्यों नहीं देते हो। क्योंकि यान का कॉम्पिटिटर बाजार में आ चुका था। एक कॉन्क्यूबाइन बेहोश हो गई थी तो इंपीरियल डॉक्टर उसे देखने के लिए आता है। वो कहता है कि ये क्या मर गई है, पर अब पल्स चेक करने के बाद कहता है कि ये तो जिंदा है। वो कॉन्क्यूबाइन उठकर कहती है कि मेरी डॉल कहीं गायब हो गई है, मैं यहाँ पर ही भीड़ में लड़ रही थी पर अचानक से ही मेरा हाथ फिसल गया और वो कहीं गायब हो गई है। इंपीरियल डॉक्टर तो ये सुनकर चला जाता है। वहाँ पर यूनुच आता है। उस यूनुच का नाम फूजी था। कॉन्क्यूबाइन उसे ऑर्डर देती है कि जल्दी से मेरी डॉल को ढूंढ कर लाओ। तो फूजी कहता है कि तुमने वो कहाँ से खरीदी थी। तो कॉन्क्यूबाइन कहती है कि मैंने यान के पास से खरीदी थी। तो फूजी कहता है कि माफ़ करना, मैं ये बोल रहा हूँ, पर देखो यान का काम ना बहुत ही बेकार है, पनौती लाता है। इतना ही नहीं, उसकी डॉल को अपने पास रखने से ना किसी का श्राप भी हमें लग सकता है। मेरे पास ना एक अच्छा आइडिया है, तुम ना उसकी डॉल खरीदना बंद कर दो क्योंकि मेरे पास कोई नया व्यापारी है जो कि बिल्कुल वेलनाओ जैसी ही डॉल बनाता है। इस गुड्डे गुड्डों से क्या खेलना, मैं तुम्हें वो नई डॉल खरीद कर देता हूँ, मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट भी दूंगा। ये सुनकर वो कॉन्क्यूबाइन मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारी कॉन्क्यूबाइंस आ रही थी और यान पर चला रही थी कि तुम झूठी हो, तुमने हमें उल्लू बनाया है। यान चिल्ला कर कहती है कि हुआ क्या है, तुम मेरे खजाने को ऐसे कैसे फेंक सकती हो। तो कॉन्क्यूबाइंस कहती है कि क्या ये खजाना है, ये तो बेकार है, हमारे पास ना इस डॉल का अपडेटेड वर्जन आ चुका है जो कि हम उसे खरीदने के लिए चाह रहे हैं, तो जल्दी से हमारे पैसे वापस करो। यान सोचती है कि नया माल। वो कहती है कि मेरे पास भी एक नया माल है, वो ना एक परफ्यूम है जो कि राजा की ही तरह स्मेल करता है। सारी कॉन्क्यूबाइंस कहने लगती है कि फूजी आज सुबह ऐसा ही परफ्यूम सबको बांट रहा था। फूजी ना तुमसे बहुत ही ज्यादा बेटर है। यान अपने मन में सोचती है कि हे भगवान, इस ड्रामा में कॉपीराइट जैसा कुछ है भी या नहीं। एक कॉन्क्यूबाइन यान से झगड़ने लगती है तो दूसरी का ध्यान यान के पर्स में जाता है और वो चुरा कर वहां से चली जाती है। यान बिचारी सदमे में थी। यूनुच उसके पास आकर कहता है कि यान तुम्हें क्या हुआ है। यान कहती है कि मेरा दिल बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, आखिर में मैंने ऐसा किया क्या है जो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उस फूजी का ना IQ लेवल बहुत ही ज्यादा लो है, पर फिर भी वो मुझको चैलेंज करना चाहता है। यूनुच कहता है कि वो फूजी, उसके अंदर तो इतना दिमाग है ही नहीं।
यान कहती है कि फिर ये किसका काम होगा। तो यूनुस कहता है कि मैंने सुना है कि फूसी का ना किसी मेड के साथ चक्कर चल रहा है। वैसे यूनुस का चक्कर, ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। पर आगे हम देखते हैं कि ये सारे लोग हॉट पॉट खा रहे थे। यान परेशान थी क्योंकि उसके धंधे में अब एक कॉम्पिटिटर आ चुका था। वो पुरानी बातों को याद करती है कि मेरी एक जूनियर थी जो कि हमेशा ही मुझसे कम्पीट किया करती थी। उसकी आवाज़ नाहनी जैसी थी और हमेशा ही मुझसे अच्छी अच्छी बातें किया करती थी। बूमें कहती है कि तुम हमें क्या शांति से खाने दोगी। शाव कहती है कि वो तुम्हें इतना ही परेशान करती थी तो तुम्हें उसे मारना चाहिए ना। यान मना करती है कि नहीं, वो मेरी छोटी बहन जैसी थी। वो हमेशा ही हर एक चीज़ के लिए मुझसे फाइट करती थी तो मैंने उसे अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, पर वो तो मुझे उल्टा गुस्सा दिलाने लगी। यान अपनी बात किए जा रही थी पर सबका ध्यान तो खाने में था। अगले दिन ये दोनों जा रही थी, पानी में से कोई लड़की बाहर निकलती है तो ये दोनों ही डर जाती है कि ये क्या कोई भूत है। मैट कहती है कि जरा देखो मैडम, ये एक इंसान है। बूमें कहती है कि हे भगवान, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। क्या तुम्हें महल में किसी ने बुली किया इसलिए तुम सुसाइड करने वाली थी। तो वो मेट कहती है कि ऐसा नहीं है, बस मेरा बन नीचे गिर गया था तो मैं तालाब से उसे वापस लेने के लिए गई। बूमें कहती है कि इतनी मीठी आवाज, कुछ तो गड़बड़ है पर मैं सोच क्यों नहीं पा रही हूँ। फिर वो कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम सबको बुली करती हो और उन लोगों ने तुम्हारा बन पानी में फेंक दिया इसलिए तुम उसे अंदर लेने के लिए गई। तो वो मेट कहती है कि ऐसा भी नहीं है, हम तो बस टॉस कर रहे थे और खेल रहे थे, पर बन पानी में गिर गया तो मैं लेने के लिए गई। बूमें कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, जाओ अब यहाँ से। उसके जाने के बाद बूमें की मेट कहती है कि मुझे इसके कपड़ों से ना लगता है कि ये लॉन्ड्री में काम करने वाली है। बूमें कहती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो गई हो यूनुस। बूमें के पास आकर कहता है कि तुम्हारे पास कोई फालतू टाइम है क्योंकि फैन लाओ कुछ दिनों से ठीक नहीं है तो तुम उसके पास जाओ। बूमें कहती है कि पर मैं ही क्यों। तो यूनुस कहता है कि आप हरम में सबसे ज़्यादा अलग है, अगर आप राजा के पास जाती है तो सारी कॉन्क्यूबाइंस आपसे जलने लगेगी और आपको बुली करेगी जिससे ना राजा को अच्छा लगने लगेगा। बूमें कहती है कि आप कुछ सीधी ही बात नहीं कर रहे हैं, मैं तो नहीं जाने वाली। वहाँ पर चू आ जाती है, वो कहती है कि मैं जाना चाहती हूँ। चू रिक्वेस्ट करने लगती है तो यूनुस कहता है कि शाही बावर्ची ने एक नई डिश बनाई है जो कि अभी तक किसी ने चखी नहीं है। चू कहती है कि मुझे चखना है, मुझे कहाँ जाना होगा। यूनुस कहता है कि उस तरफ। ये सुनकर चू वहाँ से चली जाती है। फिर बूमेंग को वो फिर से रिक्वेस्ट करने लगता है तो बूमेंग गुस्सा होकर वेनलाओ के पास जाती है। वेनलाओ अभी सो रहा था, बूमेंग उसे चिल्ला चिल्ला कर उठाती है। वेनलाओ कहता है कि मैं परेशान हूँ, सारी कॉन्क्यूबाइंस के पास मेरी डॉल है, आजकल तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक बनता जा रहा है। फिर वो खुश होकर बूमेंग से पूछता है कि वैसे तुम्हारे पास भी मेरी एक डॉल है। बूमेंग कहती है कि नहीं। वेनलाओ कहता है कि तुम्हारे पास क्या इतने पैसे भी नहीं है कि तुम मेरी डॉल खरीद सको। बूमेंग अपने मन में सोचती है कि अगर मैंने सच बताया तो ये मुझे मार डालेगा, इससे अच्छा तो मैं एक्टिंग ही कर लेती हूँ। वो कहती है कि मैं रोज़ ही खरीदने जाती हूँ पर सारी की सारी बिक जाती है, मेरे हाथ में कुछ नहीं लगता। फैलाव कहता है कि रुको जरा, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। वो अपनी लिखी हुई पोएम बूमेंग को देता है। बूमेंग मुंह बिगाड़ते हुए इसे ले जा रही थी एंड फैलाव बूमेंग को देखकर खुश हो जाता है। अब वहीं मेड यान के पास आ जाती है एंड ये दोनों ही एक दूसरे को देखने लगती है। बूमेंग कहती है कि ये प्यार और नफरत की लड़ाई है, चलो यहाँ से, हमारी भलाई इसे दूर से देखने में ही है। यान की ये जूनियर थी एंड इसका नाम था जियाव। जियाव ही हमेशा यान के साथ कम्पीट किया करती थी। जियाव यान से कहती है कि बचपन में तुमने मुझे एक बार चिढ़ाया था, तब से ही मैंने ठान ली थी कि मैं तुम्हें हर एक चीज़ में हरा कर रहूँगी। आज मैं तुमसे ज़्यादा स्किनर हूँ, वाइटर हूँ, मेरी आवाज़ भी तुमसे ज़्यादा अच्छी है, मेरे बूब्स भी तुमसे ज़्यादा बड़े हैं। यान कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझसे कम्पीट करना चाहती हो तो हम दोनों ही एक यंत्र बनाते हैं टेरेस पर से नीचे कूदने का, और जो भी सेफली लैंड कर जाएगा वो जीत जाएगा। ये दोनों ही फिर इस काम में लग जाती है। यान पिछली बातों को याद करती है कि एक दिन वो ऐसे ही यंत्र बना रही थी तो जियाव ने जलन के मारे उस यंत्र को तोड़ दिया था, पर यान उसे कुछ भी नहीं कहती और दूसरा बनाने लगती है। यान के टीचर वहाँ आकर यान की तारीफ करने लगते हैं कि तुमने ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई है। वो जियाव से भी पूछते हैं कि तुम्हारा कहाँ है, तो जियाव तो नाटक करने लगती है कि ये देखो मेरा टूट गया है, ये यान ने जानबूझ कर तोड़ दिया है क्योंकि वो मुझसे छलती है।
जियाओ तो मीठी मीठी बातें करके टीचर को फंसा देती है। यान अपनी सफाई देने भी जाती है पर देर हो चुकी थी। टीचर यान की कोई भी बात को ना सुनते हुए यान को पनिशमेंट देते हैं कि आज रात तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अगले दिन ये दोनों ही टेरेस पर खड़ी थी। हरम की सारी औरतें ये तमाशा देखने के लिए आई थी। जियाओ ने तो अपना उड़न खटोला बना लिया था पर यान ने नहीं बनाया था। जियाओ अपने उड़न खटोले के साथ टेरेस से नीचे गिरने वाली थी पर कुछ नहीं होता, वो सच में नीचे ही गिरने वाली थी तो यान उसे बचा लेती है। यान कहती है कि ये बिल्डिंग ऊंची है और तुम्हें ये कैसे लगा कि इतनी ऊंचाई से तुम ऐसे बेकार से उड़न खटोले की मदद से नीचे सेफली लैंड कर सकोगी। जियाओ तो गुस्सा करने लगती है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तुम्हें सब पहले से ही पता था ना कि यही होने वाला है, तुम तो बहुत ही चालाक हो। यान यहीं पर ही रहकर उसे समझाने लगती है कि नकल करने में भी अकल की जरूरत होती है। तुम हमेशा ही मुझे हराने का नया नया मंसूबा बनाती रहती थी, अगर इतना टाइम तुमने पढ़ाई में दिया होता तो तुम भी आज मेरी तरह एक्सेलेंट होती। मुझे हराने के चक्कर में तुमने अपनी जिंदगी भी ठीक तरह से नहीं जी है। जियाओ कहती है कि मैं नीचे गिर रही हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। यान उसे ऊपर उठाने की ट्राई करती है पर उसका हाथ छूट जाता है तो जियाओ नीचे गिरने लगती है, पर शाओ एक मस्त एंट्री लेते हुए जियाओ को बचा लेती है। फिर जियाओ यान को अलविदा कह देती है। बूमेंग उसकी तारीफ करती है कि तुमने तो बिना खून बहाए मारपीट किए हुए जियाओ को संभाल लिया। जियाओ के जाने के बाद वहां पर गार्ड्स आते हैं कि कौन है जो टेरेस पर चढ़कर सुसाइड करना चाहता है। ये बंदा तो पूरी तैयारी के साथ आया था, वो चिल्लाकर फिर से पूछता है कि कौन था वो। ये तीनों ही पीछे खिसक लेती है। अब यान अपने आप ही आगे आ जाती है। गार्ड कहता है कि अच्छा तो वो तुम थी। यान कहती है कि रुको जरा, मैं तो बस वहाँ पर खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए गई थी। गार्ड कहता है कि ये सब कुछ राजा के सामने कहना। सो वीडियो होती है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।